मुझसे एक गलती हो गई और बिल्कुल सही सुना आपने, मुझसे एक गलती हो गई और आज की जो ये हेडिंग है इसके अंदर बहुत कुछ अगर आप समझेंगे तो आपको समझ में भी आएगा और आपको बहुत कुछ इस चीज़ से हेल्प भी मिलेगी। सभी को नमस्कार, आप सबका वेलकम है ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साहिल मलिक व्लॉग्स। अगर आप न्यू हो तो ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा वीडियोज़ को। गलती होना हर एक इंसान की एक नेचुरल हैबिट है। गलती अगर एक बार हो जाती है वो इग्नोरेबल होती है, दो बार हो जाती है इग्नोरेबल होती है, तीन बार भी 10 बार भी इग्नोरेबल होते हैं, लेकिन उसके बाद अगर वो गलती बने वो आपकी आदत बननी बहुत जल्दी लाजमी है। अब इसका मतलब क्या, मैं एक गलती एक बार कर रहा हूँ। मैं सुबह जो मैं उठता था 6 बजे, अब मैं 8 बजे उठ रहा हूँ। मैंने कहा यार एक दिन 8 बजे उठ गए, 2 दिन, हफ्ता भर चलता रहा तो ऐसे मेरी आदत ही बन गई, मैं 8 बजे ही उठने लग गया। वो रॉन्ग हैबिट कन्वर्ट किसने करी? मैंने। शुरुआत कहाँ से हुई? एक दिन से, जो एक बार मिस्टेक हुई, लेकिन उस समय मुझे नहीं पता था ये मुझसे गलती हो रही है। जब सबसे बड़ी चीज देखो यही होती है, जब वो गलती हो रही होती है ना, खुद को पता ही नहीं चलता। सबसे हैरानी की बात ही यही है, जब कोई चीज की गलती हो रही होती है वो इंसानों को खुद को ही नहीं पता लगता ये मुझसे गलती क्या हो गई। जब वो गलती फ्यूचर में जाके आपको रियलाइज होती है यार इसका रिजल्ट अच्छा ये मिल रहा है, उस वजह से हो रहा है। अब जब ये बातें समझ में आएंगी फिर इंसान को लगता है अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। उस सोल्यूशन लेने के लिए हम बैठे हैं, साहिल आपके लिए हमेशा बैठा है हेल्प करने के लिए इन द राइट मेथड। मेरा फोकस और मेरा मोटिव यही रहता है कि मैं कितने ज्यादा लोगों को अपने यूट्यूब चैनल के जरिए हेल्प कर सकूं इन देयर फ्लुएंट स्पीकिंग। फ्लुएंट और स्पीकिंग के अंदर दो वर्ड्स हैं, फ्लुएंट मतलब जो लगातार बोल पाए, स्पीकिंग मतलब बहुत अच्छे से मैं रेगुलर बोल पाऊं। अब स्पीकिंग पे लोग जोर देते हैं, फ्लुएंसी का खराब कर देते हैं। अब लोग कहेंगे फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ स्टैमरिंग, अब कोई इंसान अगर अटक अटक के बोल रहा है वो ऑलरेडी अटक अटक के पॉजेस ले रहा है, तुम उसे और ज्यादा ये बोल दोगे स्लो बोलो स्लो बोलो, वो ऑलरेडी पॉजेस ले रहा है, वो दोबारा पॉजेस में आ जाएगा तो उसको रिजल्ट क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। अब वो एक्सपेक्ट कर रहा है मेरा रिजल्ट आए, लेकिन तुम ऑलरेडी जो पॉजेस ले रहा है तुम उसको दोबारा बोल रहे हो स्लो मोशन में आ जा। अब स्लो मोशन में वो पॉजेस तो ऑब्वियसली बात आएंगे ही। अब हम बात करते हैं फ्लो की सेपरेट, हम थोड़ा सा उससे अलग सोचते हैं और एक फ्लुएंट वे में हम आपको हेल्प करते हैं। अब अटकने वाला जब रेगुलर बोलना शुरू करेगा, अगर एक सेंटेंस वो बिना पॉजेस के बोल गया तो आप यू कैन इमेजिन कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल कितना ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। वो क्यों? क्योंकि जो चीज उसने अभी तक नहीं करी वो अब एकदम उसने करी तो फीलिंग अंदर से बहुत अच्छी हो जाएगी, कॉन्फिडेंस अंदर से बहुत अच्छा आएगा और वो सेल्फ मोटिवेटेड बहुत जल्दी हो जाएगा। स्टैमरिंग वाला यहां से सही हो सकता है। अब उसके बाद है मिस आर्टिकुलेशन, र और ल के अंदर मैक्सिमम दिक्कत आती है, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि वो थोड़ा मुश्किल है, जीभ की मूवमेंट ऊपर होती है। अब इसके अंदर भी गलती क्या करते हैं, र को ल हल्का सा बोला, 2 बार बोला, 3 बार बोला, वो आदत बना ली, फिर जब ल निकलने लगा फिर कहते हैं कि सर मैं ना र को ना ल बोलने लग गया, फिर खुद को भी लगता है यार मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूं। अब वो गलती तो हमने इग्नोर कर दी, अब उस रॉन्ग हैबिट को हम अप्लाई करते के और वो हमारी आदत बन चुकी है। अब जो आदत बन गई उसको हम कन्वर्ट करते हैं राइट मेथड में। आपको पहले बेसिक समझाया जाएगा, र और ल का बेसिक्स आपको समझ में आएगा, क्लैरिटी आपको मिलेगी तो कॉन्फिडेंस उसी लाइव सेशन में आपको दिखेगा। हमारा यूएसपी यही रहता है कि हम आपको जो चीज अगर मैं दे रहा हूं अगर एक ऑनलाइन सेशन में तो उसका 100% आउटपुट भी उसी सेशन में ही आपको दिखे। जब आपको वो आउटपुट वहां दिखेगा तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, विश्वास होगा, विश्वास होने से ही रिजल्ट भी आता है। सिर्फ हवा में उड़ाई उड़ी हुई अगर मैं कोई बातें करूं आपको एक बार लगेगा, 2 बार लगेगा, लेकिन तीसरी बार आप विश्वास नहीं करोगे। लेकिन जब मैं उसके पीछे लॉजिक बताऊंगा, उसका रीजन बताऊंगा, उसका राइट मेथड बताऊंगा, फ्लुएंसी के बारे में करूंगा बात, तो आपको लगेगा ये बंदा बिल्कुल सही बात बोल रहा है, हमें क्लैरिटी मिल सकती है, मैं ठीक हो सकता हूं अगर मैं साहिल सर का एक सेशन लूं। तो यही कॉन्फिडेंस लोगों में आ रहा है, लोग बेनिफिट ले रहे हैं और बहुत ज्यादा लोगों के अंदर रिजल्ट आ रहा है।
अब इसमें हेजिटेशन कैसे क्लियर होगी, जब हम रेगुलर बोलेंगे फ्लुएंसी आएगी, रेगुलर बोल लेगी। फ्लुएंसी और नॉर्मल स्पीकिंग में क्या फर्क क्या होता है, नॉर्मल स्पीकिंग टू स्पीक इन द नॉर्मल मैनर, फ्लुएंसी टू स्पीक इन द रेगुलर मैनर विद योर फ्लो। फ्लो मतलब जो मैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, मेरा नाम साहिल मलिक है। अब एक तो एग्जाम्पल नंबर वन ये है, या पॉजेस आए आपने शायद ऑब्जर्व किया होगा। सेकेंड एग्जाम्पल, मेरा नाम साहिल मलिक है, मैं करनाल हरियाणा में रहता हूं। अब यहाँ स्पीड तो नॉर्मल है ही है, लेकिन मेरा फ्लो रेगुलर है, जिसकी वजह से मैं फ्लो के अंदर बोलूंगा तो कॉन्फिडेंस आ रहा है मुझे बोलते हुए, मुझे फीलिंग अच्छी आ रही है, मेरी हार्ट बीट का लेवल नॉर्मल है। तो इसी फ्लो को जब तक आप मेंटेन नहीं करोगे तो क्लैरिटी नहीं मिल पाएगी। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एक ऑनलाइन सेशन आप लेके देख सकते हैं, खुद का खुद मिरर इमेज आपको दिखेगी अपनी। और कोई और इंक्वायरी होती है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, स्टे हैप्पी।